हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू राज मनोत्रा आई एस अकेडमी वेलकम टू आर अनादर से टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट हैज अ लिंकेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस एनवायरनमेंट सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हमने यूपीएससी में भी देखा है क्वेश्चन की लिंकेजेस के साथ ही आते हैं एक सब्जेक्ट सिर्फ खुद अपने आप में नहीं आएगा बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलकर एक अमेलगेशन के थ्रू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सो इन दैट कंटेक्ट द टॉपिक फॉर टुडे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डायनेमिक टॉपिक है और इससे रिलेटेड पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट ईयर कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर एक फिर से क्वेश्चन पूछा जाए सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज सीएसआर जब हम सीएसआर की बात कर रहे हैं सीएसआर इज और रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स स्टेक होल्डर्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स स्टेक होल्डर्स के उसका स्टेक होल्डर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर्स माने इंप्लॉइज कस्टमर्स कम्युनिटी सप्लायर्स गवर्नमेंट एंड द इन्वायरमेंट यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वो बहुत सारे रिसोर्सिस को यूज करते हैं जब वो अपनी मैनुफेक्चरिंग करते हैं या अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सो दे हैव देर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनको उस चीज को जिस रिसोर्सिस को उन्होंने यूज किया है उसकी वजह से हो सकता है कोई सोशल ऑल्ट्रेशन रही हो कोई इन्वायरमेंटल ऑल्ट्रेशन रही हो तो फिर एक बार उनका फिर से हक बनता है उनका फर्ज बनता है वो अपनी जो रिलेशनशिप है जो उनकी जिम्मेवार है उनको निभाएं पर्टिकुलरली विद रिलेटेड टू देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीपिंग द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इन माइंड कंपनीज हैव बिन प्रैक्टिसिंग सी एस आर टू रिड्यूस देयर नेगेटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या कहने की बात कर रहे हैं कि जो वो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जो वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं जो वो अपनी मैन्यूफेक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स और सर्विस की उसके बाद जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है बेशक वो नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े अगर हम बात कर रहे हैं अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है जो फुटप्रिंट पड़ रहा है मे इट बी दोशल एंड द इन्वायरमेंटल उसके कवरअप करने के लिए एक डिवाइस मैकेनिज्म है जिसका नाम क्या है सी एस आर दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एक बात देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे किस तरीके से डिफाइन करता है सीएसआर इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंट्रैक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स इट इज जनरली अंडरस्टूड एज द वे थ्रू विच अंपनी बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक इनवायरमेंटल एंड सोशल इंपेरेटिव अब ये डायरेक्ट डेफिनेशन है ना पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन एक स्टेटमेंट बनकर आ, बन आ सकती है कि जो सी एस आर का कंसेप्ट है वो एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो एक बैलेंस अचीव करने की बात कर रहा है इकोनॉमिक वे में इनवायरमेंटल वे में और सोशल वे में जो कि हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच

तो हमारे सामने क्वेश्चन आता अब ये सीएसआर के लिए एलिजिबल कौन है कौन सीएसआर सर्विसेज करेगा कौन अपनी सीएसआर की पॉलिसीज को फॉलो करेगा लेट्स हैव अ लुक अगर हम बात करें द प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट द प्रोविजंस ऑफ

क्लॉज वन थर्टी फाइव में किस चीज का सी एस आर का ऑन अप्रैल एप्रिल्ड फोर्टीन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के जो सी एस आर का कंसेप्ट है वो जरूरी जो है पहला इंडिया कंट्री बनी थी जिसने सी एस आर को अपने प्रोविजन के अंदर कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया द एक्ट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट टू बिल्ड एज वेल एज पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग मेथ मैंडेट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी टू परसेंट ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट इन दीवियस एक्टिविटीज एलिजिबल है उनको अपने पिछले तीन साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसका जो एवरेज बनेगा उसका टू परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर सी एस आर के अंदर अब वो कौन सी कंपनीज है जो इसके लिए एलिजिबल है उसको देखते हैं कंपनीज एनुअल टर्न ओवर इज थाउजेंड करोड़ जिन कंपनीज की एनुअल टर्न ओवर थाउजेंड करोड़ की है और साथ में जिनका नेटवर्थ कितना है फाइव हंड्रेड करोड़ और मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ फाइव करोड़ और मोर तो इससे पता चल जाता है अगर हम सी एस आर की बात कर रहे हैं कौन सी कंपनी इलिजिबल है जिनका टर्न ओवर हो नेटवर्थ हो और जिनका प्रॉफिट हो जो जो अमाउंट बताई है थाउजेंड करोड़ फाइव हंड्रेड करोड़ एंड फाइव करोड़ अब जो सी एस आर के लिए एलिजिबल हो गया ऑर्गेनाइजेशन पता चल गई टू परसेंट उनको स्पेंड करना है अपने प्रीवियस थ्री ईयर का किसके ऊपर सी एस आर एक्टिविटीज के अंदर अब सी एस आर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेट्स है लुक अगर हम बात कर रहे हैं सी एस आर के अंदर वो कहां पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेयर दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट सो दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन हेल्थ एडुकेशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यह बात बोली गई थी 2013 के अंदर कि ये ये चीजें हैं जिनके अंदर वो क्या कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सीएसआर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज करेंगी जिनका नेटवर्थ अभी हमने डिस्कस किया थाउजेंड करोड़ है सॉरी नेट टर्नओवर और जिनका अगर हम बात करें प्रॉफिट कितना है पांच करोड़ से ज्यादा है वो वो कंपनीज क्या है एलिजिबल है टू परसेंट स्पेंड करेंगी सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर इन इन इनिशिएटिव्स के ऊपर तो सीएसआर देख लिया कि एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है जिसके अंदर जो कंपनीज का नेगेटिव फुटप्रिंट हो रहा है सोशल और वे में उसको कम करने के लिए कंपनीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है जो इंडिया के अंदर लीगली कर दी गई थ्रू कंपनीज एक्ट टू अब इंडिया ने 2019 में एक हल्की सी अमेंडमेंट करी सी एस आर नॉर्म्स के अंदर वट वॉज दैट अमेंडमेंट उन्होंने बोला कि सीएसआर के अंदर जो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं टू परसेंट स्पेंड कर रहे हैं वो ज्यादा अब उनको एक प्रोविजन रख दिया आर एनडी में भी करना होगा आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर आर एन डी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट तो ये एक तरीका है जिससे हम आर एन डी के अंदर क्या कर रहे हैं अपनी कंपनीज को बोल रहे हैं कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो तो सी एस आर का कंसेप्ट देख लिया अब देखते हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है वट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग रिगार्डिंग सीएसआर अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहली बात है नॉन कंप्लायंस जब ये स्टार्टिंग में आया था जो अगर हम कंप्लायंस की बात करें तो अराउंड 50 परसेंट कंपनीज थी जो अपना क्या कर रही थी कंप्लाइंट कर रही थी और सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही थी, उतना रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था बट रिसेंटली इसके अंदर हम देखें तो कंप्लायंस क्या है धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है so, ये पहली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि थोड़ा सा कंप्लायंस का इश्यूज़ है पर वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है रिजॉल्व हो रहा है सेकेंड थिंग सेकेंड प्रॉब्लम इज के जो हमारी अगर हम बात करें सी एक्टिविटीज अगर हम बात करें कि सी के अंदर पैसा किन किन स्टेट्स में जा रहा है वो वहां पे जा रहा है जो पहले से ही क्या है जिनका थोड़ा सा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज्यादा हाई है नॉट ऑल द स्टेट्स आर अचीविंग और रीपिंग द बेनिफिट ऑफ सी एस आर एक्टिविटीज सिर्फ फ्यू स्टेट्स हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रही हैं फ्यू स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेल इफ आई टॉक अबाउट सी एस आर और जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं अगर हम बात करें सीएसआर को लेके, क्योंकि सीएसआर इनिशिएटिव्स कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की तरफ ही लिमिटेड है इसी चीज को करेक्ट करने के लिए नीति आयोग का एक प्रोग्राम चला था जिसके अंदर बात करी गई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स प्रोग्राम की जिसके अंदर सीएसआर एक्टिविटीज को बोला गया कि आप इन इन सिटीज में इस चीज को इंप्लीमेंट करो So, हमने देखा कि सी क्या है सी के अंदर दिक्कतें क्या हैं, सी के लिए कौन कौन एलिजिबल है 2019 में क्या अमेंडमेंट हुई इंडिया एक ओनली कंट्री है जिसने पहले इसमें सबसे पहली कंट्री थी जिसने इसको लीगली करा कंपनीज एक्ट के अंदर क्लॉस वन थर्टी फाइव के अंदर और मेजर प्रॉब्लम क्या है एक तो नॉन कंप्लायंस की है दूसरा क्या है सीएसआर एक्टिविटीज कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की तरफ ही लिमिटेड है उसी चीज को करेक्ट करने के लिए कंप्लायंस मैकेनिज्म बढ़ाए जा रहे हैं और ऐसी स्कीम्स इंप्लीमेंट करी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सीएसआर कंप्लायंस हो अगर सी एस आर कंप्लायंस होगी तो बात है गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है टू like हैं अगर इस देश को बनाना है प्लस so जो एनजीओस प्राइवेट हाउसेज है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, है उनका भी उतना ही उतना रोल है अगर हम बात करें इस देश को बिल्ड करने के लिए बिकॉज ये सी एस आर एक्टिविटीज एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी कॉर्पोरेट्स की या ऑर्गेनाइजेशन की की एक पर्टिकुलर लिमिट कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे नए सेशन के साथ नई मैगजीन के साथ डाउन टू अर्थ की टिल द टाइम थैंक यू यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू